जैसा कि भाई आप सभी को पता कि 13 अप्रैल को लॉकडाउन के चलते दिल्ली सरकार ने जो ड्राइवर योजना सहायता योजना है उसकी घोषणा की थी, और लगभग जो है 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। लेकिन ऐसे में इस योजना के तहत आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे उसमें यह था कि आपको आधार अपलोड करना था, आधार से जो आपका DL नेम था वो मिसमैच था, PSP बैच जो था 2010 से पहले का था, या किसी भाई का जो है ये फॉर्म भरना रह गया, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। या अभी जो सवाल आ रहे हैं बहुत सारे मेरे भाई जो मेरे दूसरी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि हमारा आधार लिंक है, कई लोगों का लिंक नहीं है, कई सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका जवाब इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो के आखिर में आपको मैं ये भी बताऊंगा अगर आप से कोई गलती पहले हो गई थी तो किस प्रकार अब इसको आप ठीक करेंगे, और जिन भाइयों का ये फॉर्म भरना रह गया था, जिनका भी ये फॉर्म भरना रह गया था, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है, और कब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, कैसे भर पाएंगे, सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को प्लीज़ आखिर तक जरूर देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों की। मैं कोई भी वीडियो आपसे जुड़ी हुई कोई भी वीडियो उसकी जो जानकारी होती है ऑथेंटिकेशन के साथ होती है, आज ही मैं जितनी जानकारी आपको दूंगा ये दिल्ली सरकार की तरफ से या ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से दी हुई जानकारी है। मैं सिर्फ आप तक एक पहुँचाने वाला जरिया हूँ और कुछ भी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ये सही जानकारी सही लोगों तक पहुँचे, जिनको ज़रूरत है उनको इसका फ़ायदा मिले। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस योजना से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके लोगों के पास आते रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आपको आती रहती हैं, और मैं टाइम टू टाइम उन सभी का जवाब लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपकी कुछ हेल्प अगर मुझसे हो पाए तो करूँ और आपको सही जानकारी प्रदान करूँ। तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, यही जो लाल बटन है प्लीज़ इसको दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो है आपको जो समस्याएँ आ रही हैं कि उनको क्या सोल्यूशन है, क्या उनका सरकार की तरफ से जवाब है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी हुई है कि बहुत सारे मेरे भाई जो कह रहे हैं कि हमारा तो ड्राइविंग लाइसेंस भी ठीक है, हमारा तो लाइसेंस भी ठीक है, हमारा तो PSP बैच भी ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट भी ठीक है, और उसके बाद भी जो हमें ये मैसेज आ रहा है कि हमारा जो है आधार लिंक नहीं है या हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो ऐसे में एक्चुअल में हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो समस्या क्या है, हमें पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या जो है प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपका जब सारी चीज़ें ठीक है, सरकार की तरफ से आपको मैसेज भी आ गया है कि आपका जो पैसा ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे में आपको बैंक की तरफ से जो है दो समस्याएं मिल सकती है। सबसे पहली समस्या ये होती है अगर आपका जो बैंक अकाउंट है अगर वो इनएक्टिव है फिलहाल, अगर इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने लेन देन नहीं किया है, 6 महीने से पैसे नहीं निकाले, तो बैंक का जो अकाउंट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे अब ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे पैसे जो है DBT के थ्रू आ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है उसके थ्रू ही ये पैसा ट्रांसफर होता है, वो वैसे में बैंक की साइट पे बैंक के एंड से ये जो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाती है। आप ये समझते हैं कि आपका लाइसेंस ठीक है, आपका परमिट ठीक है, आपका PSP बैच ठीक है, आपका बैंक अकाउंट भी ठीक है, फिर भी पैसे क्यों नहीं आए, तो पहले ये भी चेक कर लें कि कहीं आपका बैंक जो है इनएक्टिव नहीं है। दूसरा जो कारण हो सकता है, कुछ जो पिछले कुछ टाइम से जो है RBI की गाइडलाइन है सभी बैंकों के लिए कि आपको जो है अपने बैंक में जो KYC करवाते रहना है, कई बैंकों में 2 साल में KYC होती है, कई बैंकों में जो 1 साल में KYC होती है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो बता देता हूँ। मेरा जो है एक बैंक में अकाउंट लगभग पिछले 16 साल से है, 16 साल में मैंने कभी भी उसमें जो है KYC नहीं करवाई। जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, लेकिन इस साल कुछ मेरे को ट्रांजेक्शन करनी थी, मेरे को कुछ पैसे कहीं से मेरे को आने थे, वो पैसे नहीं आ पा रहे थे, मैंने बैंक में कॉल किया, बैंक ने बोला कि जी आपको जो है KYC करवानी पड़ेगी इसलिए पैसे नहीं आ रहे। जैसे ही मैं बैंक में KYC करवाने का नॉर्मल एक प्रोसेस होता है, आपको अपने जो आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ है यही सब चीज़ें देनी होती हैं, वो एक नॉर्मल KYC होती है, जैसे मैंने वो KYC करवाई उससे अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो आप ये दो चीज़ें जरूर चेक कर लें अगर आपका सब कुछ ठीक है तो, और उसके बाद भी अगर आपको ये मैसेज आ रहे हैं कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो आप चिंता ना करें, आपको आने वाले 3-4 दिन के अंदर जो है पैसे आ जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन है कि ये पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो आपके पैसे ज़रूर आएंगे। इससे आगे जो कि लगभग 21,000 केस ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधार इस दौरान पिछले 3-4 दिन के अंदर जो है लिंक करवाया है, उनको भी सेम मैसेज आ रहा होगा कि आपका आधार लिंक नहीं है। तो आपके लिए मैं खुशखबरी ये है कि आज ही दिल्ली सरकार ने जो है इन 21,000 अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अगर आपको ऐसा मैसेज अब भी आ रहा है कि आधार लिंक नहीं है और आपने करवा दिया, तो उस मैसेज को आप इग्नोर कर दीजिए, आपको आने वाले 3-4 दिन में या हफ्ते के अंदर जो है पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो
दोस्तों दूसरी कैटेगरी जो है कि जिसमें डीएल और आपका जो आधार कार्ड में जो नाम है मिसमैच है, कंप्लीटली मिसमैच तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा बहुत मिसमैच है। जैसे आपने एसपी शर्मा की जगह सत्य प्रकाश शर्मा लिखा है या अनिल कुमार वर्मा करके कुछ लिखा है तो अनिल वर्मा लिखा है कुछ डॉक्यूमेंट में, तो ऐसे केसेस में जो है दिल्ली सरकार ने जो अपने एमएलएज को लगाया था और वो 51,000 केसेज में से लगभग 36,000 केसेज को जो अप्रूव कर दिया गया है। 36,000 जो केसेज है उनकी जो पेमेंट है जल्दी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो अगर आपने ग्रेवेंस फॉर्म के थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और आपको आने वाले टाइम में कुछ ये मैसेज आ जाएगी, आपको जो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 36,000 ऐसे केसेस हैं। बाकी जो केसेस बचे हैं उसमें भी अभी जो सरकार है कोशिश कर रही है कि जो बाकी केसेस बचे हैं उनमें से जितने मैक्सिमम हो पाएंगे उनको अप्रूव करेंगे। जो कम्प्लीटली मिसमैच है उनके लिए थोड़ा वक्त लगने वाला है, उसमें क्या आगे प्रोसेस होने वाला है, अगर बिल्कुल ही अलग नाम है तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों उन केसेस की बात कर लेते हैं जिनका जो ग्रेवेंस फॉर्म के थ्रू जिन्होंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था, जिन लोगों के पास जो है पीएसपी बैच जो है 2010 से पहले का था। ऐसे लगभग 12,000 केसेस जो हैं सरकार के पास आए हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि लगभग 7,000 जो केसेज हैं उनको सरकार ने अप्रूव कर दिया है। 5,000 केसेज पर अभी काम चल रहा है, आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं ये जो केसेज हैं इनको भी अप्रूव हो जाएगा। जो 7,000 केसेज अप्रूव हुए हैं उनको जल्दी मैसेज आ जाएगा उनके पैसे ट्रांसफ़र होने का। तो आप भी थोड़ा वेट कीजिए, आपको 3-4 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर ये सारे जो है वो अपडेट आने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं उन भाइयों की जिनके पास पीएसपी बैच नहीं है, या जो ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, फटफट सेवा चलाते हैं, ग्रामीण सेवा चलाते हैं, उनको जो पहले जो ये स्कीम थे उसके तहत जो है लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी दिल्ली सरकार की जो कैबिनेट ने है उसने मंजूरी दे दी, जितने भी इस तरीके के मेरे भाई हैं जिनके पास पीएसपी बैच नहीं है और ई रिक्शा वाले हैं, पैरा ट्रांजिट में जितने भी लोग आते हैं सबको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। वीडियो के आखिर में सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन आपके लिए खुशी है अगर आपके पास पीएसपी बैच नहीं है और आप एक जो है ऑटो रिक्शा के या पैराट्रांजिट के मालिक हैं तो आप जो है इस योजना का लाभ आने वाले टाइम में उठा सकते हैं और इसके कोई लंबा इंतज़ार आपको नहीं करना है। कॉमन सवाल आजकल जो है मेरे हर वीडियो पे मुझे मिल रहा है, लगभग बहुत सारे लोग मुझसे सेम सवाल पूछते हैं कि सर हमें जो है मैसेज आ रहा है कि आधार कार्ड जो है आपका अपलोड नहीं हुआ है लेकिन डेट जा चुकी है, या बहुत सारे मेरे भाई हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा आधार कार्ड का ना जो एक साइड का जो है वही फ़ोटो अपलोड हुआ। तो ऐसे मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपका जो आधार कार्ड का जो एक ही साइड का फ़ोटो अपलोड हुआ है, उसमें घबराने की बात नहीं है, वो जो है सॉफ्टवेयर इशू था। आपको जानकर ये अच्छी लगेगा, ये खुशी होगी कि शायद अगले 2-3 दिन में आपको ये मैसेजेस दोबारा आने वाले हैं और आपको जो है अपना आधार अपलोड करने के लिए जो इस बार दोनों साइड के फोटो के लिए 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो जिन भाइयों का आधार अपलोड नहीं हुआ है या जिन भाइयों का एक साइड का अपलोड हुआ है तो थोड़ा सा वेट करें, आपको आने वाले हो सकता है आपको सैटरडे संडे तक शायद मैसेज आ जाए, नहीं तो पक्का मंडे को आपको मैसेज आ जाएगा कि आप जो अपना आधार अपलोड कर पाएंगे और इस योजना का जो है दोबारा से लाभ उठा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जिनके पास जो पीएसपी बैच नहीं है या जो पैरा ट्रांजिट वाले मेरे भाई हैं वो इस योजना के तहत कैसे अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूंगी दोस्तों, अगर आप ई रिक्शा के या पैरा ट्रांजिट जो व्हीकल है उसके ओनर हैं इसका तभी फ़ायदा उठा पाएंगे, अन्यथा इसका फ़ायदा शायद नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसके लिए आपको जो है सिर्फ जो है जैसे आप ई रिक्शा है तो उसमें तो कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है सरकार को और ना ही उसमें नॉर्मली परमिट की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है बहुत सारे मेरे भाई जो वीडियो देखने बाद नीचे ये कमेंट करें कि हमारे पास तो ई रिक्शा का ही परमिट है, तो अब तक जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से आपको जो इस फॉर्म में भरने के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका ये जो एप्लीकेशन चालू होगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ई रिक्शा का, आपको ई रिक्शा स्टार सेलेक्ट करना है और अपने जो डॉक्यूमेंट मांगे आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या आरसी की डिटेल है वो मांगेगा, वो आपको अपलोड कर देना है। ऐसे ही जो दूसरे पैरा ट्रांजिट है, फटफट सेवा है, ग्रामीण सेवा है, ऑटो ड्राइवर है, मेरे जितने भी भाई हैं सबको जो है ये ऑप्शन मिलने वाला और इस बार जो है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको जो है दोनों साइड की फ़ोटो के लिए पूरा स्पेस दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन दिया जाएगा। और हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है जहाँ तक मुझे
जानकारी मिली है कि ये आपको शायद मंडे तक ये जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा, और मंडे से आप जो है आपको ये जो नए जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पाएंगे, और जिन भाइयों का इस सेवा में अब तक अप्लाई करना रह गया था वो लोग भी अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो खास बात ये है कि अगर आपका आधार जो है अपलोड नहीं हुआ था, आपका आधार एक साइट से अपलोड हुआ था, आपने पहले अप्लाई नहीं किया था, आप ई रिक्शा वाले हैं, आप ऑटो ड्राइवर हैं, आप ग्रामीण सेवा चलाते हैं या फटफट सेवा चलाते हैं, उसके मालिक हैं आप, सबको इस योजना का फ़ायदा मिलने वाला है। जल्द ही इसका जो है प्रोसेस अभी ओपन होने वाला है, अभी टेस्टिंग पीरियड में है, और जैसे ही ये प्रोसेस चालू होगा मैं आकर आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप अपलोड करेंगे, क्या गलतियां जो आपको नहीं करनी है। तो आज इस वीडियो में कुछ जो है अहम टॉपिक थे मैंने कवर करने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिले। फिर भी कोई सवाल अगर मेरे तरफ से रह गया है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि आपकी थोड़ी सी हेल्प जो है जानकारी के तौर पर मैं कर पाऊँ, और इस वीडियो को सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अब तक अगर देखते देखते वीडियो को भूल गए थे सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहले मैं ये जानकारी आपके पास लेके आता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस टाइम पे एक एक पैसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है।